पांचों चुनावी राज्यों के एग्जिट पोल्स अब अलग अलग टीवी चैनलों की स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन राजस्थान तक बात करेगा सिर्फ राजस्थान की। और उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल में राजस्थान की क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। पहले क्षेत्र के हिसाब से बात कर लेते हैं, जहां इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल मारवाड़ में बीजेपी को 20 सीटें, कांग्रेस को 18 और अन्य को 3 सीटें दे रहा है। यानी मतलब साफ है कि मेवाड़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है और बीजेपी यहां 2 सीटों की बढ़त बनाती दिख रही है। मारवाड़ के बाद अगला नंबर मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र का आता है, जहां बीजेपी को 20, कांग्रेस को 12 और अन्य को 3 सीटें जाती दिखाई गई है। इसके बाद हड़ौती की बात करें तो हड़ौती में बीजेपी 11 सीटें, कांग्रेस 6 सीटें और अन्य का यहां कोई खाता नहीं खुला। मतलब ये कि हड़ौती में बीजेपी कांग्रेस पर लगभग दोगुनी बढ़त बनाती दिख रही है। शेखावाटी पर आएंगे तो यहां बीजेपी 7 सीटें, कांग्रेस 12 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई गई है। इस अनुमान को देखकर ये कहा जा सकता है कि शेखावाटी में कांग्रेस मजबूत है और उसने भाजपा पर लगभग 5 सीटों की बढ़त बनाई हुई है। यादव बहुल्य अहिरवाल क्षेत्र की बात करें तो यहां बीजेपी 9, कांग्रेस 10 और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने जयपुर डिवीजन में 17 सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई है। अंत में इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के ओवरऑल एग्जिट पोल की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस को 86 से 106 सीटें, भाजपा को 80 से 100 सीटें और अन्य को 9 से 18 सीटें मिलते हुए दिखाई गई है। कुल मिलाकर इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है और बीजेपी की अपर लिमिट बहुमत को छू रही है, तो वहीं कांग्रेस की अपर लिमिट 100 सीटों के बहुमत वाले आंकड़े को पार करते हुए 106 सीटों तक जा रही है। लेकिन इस खेल में एक बार फिर निर्दलीय विधायकों और अन्य दलों का रोल भी किंग मेकर की भूमिका में हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।